हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे और सैटरडे का प्लान ये है कि थोड़ा बैठ कर बात करते हैं। हाँ, तो सैटरडे का प्लान ये है कि फिलहाल हम और मम्मी जाएंगे नर्सरी कुछ पौधे लाने। सो विंटर का टाइम है और मम्मी कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स लगाती है, उसी के लिए फिलहाल हम लोग जा रहे हैं नर्सरी कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स लेकर आने के लिए। क्या हमारे घर के आसपास नर्सरी नहीं है? डेफिनेटली है, इनफैक्ट बहुत सारे हैं। पर हम आए हैं घर से 12 किलोमीटर दूर पांडा नर्सरी, क्योंकि मम्मी के हिसाब से जो पौधे मम्मी को चाहिए थे वो इस पर्टिकुलर नर्सरी में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। गेंदा के पौधे, इसको इनका कहते हैं, लेकर आए हैं नर्सरी से, जो कि मम्मी अब पॉट में लगाने वाली है। सालविया के पौधे लग गए हैं, गेंदा अभी भी बाकी है क्योंकि कुछ गमला रेडी नहीं था, तो मम्मी रेडी करके फिर अभी गेंदा के पौधे जो है वो लगा रही है। और पहले इनको फ़िलहाल हम रखेंगे छांव में, और फिर अभी जैसे कि उस तरफ, मतलब इस तरफ इस वाले एरिया में धूप आता है, तो फिलहाल हम सबको रख रहे हैं वहाँ छांव में। और उसके बाद जब वो रूट्स जड़ पक आई मीन सॉरी रूट्स सॉइल पकड़ लें, देन हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे धूप में। और कुछ टिप्स मम्मी जो आप शेयर करना चाहते हो? और फिलहाल आप स्टार्टिंग में कोई डालते हैं फर्टिलाइज़र किसी भी प्लांट्स में? नहीं, सिर्फ गोबर का खाद और मिट्टी। बस काउडंग मिन्योर और मिट्टी डालना है आपको, और कुछ नहीं स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम कुछ कुछ डालते हैं इसमें फर्टिलाइजर, वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगी। अभी ये देखिए, जैसे ये वाला प्लांट जो है वो यहाँ पे मम्मी रख चुकी है छांव के लिए। तो हम नीचे आ गए, थोड़ा बहुत काम बाकी है जो मम्मी कंप्लीट कर रही है, और बट भूख बहुत लग गया, तो हम सोचेंगे थोड़ा ब्रेड सेक लें, इसके साथ थोड़ा चाय बना लिया जाए। ब्रेड को घी से सेक कर खाने में मस्त बहुत स्वाद लगता है, और आई नो मिल्क ब्राउन ब्रेड इज द राइट थिंग टू हैव, बट मिल्क ब्रेड मुझे स्वीट फैक्टर होता है वो मुझे बहुत पसंद है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ ब्रेड सेक कर चाय बनाने, और आज के वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।